हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक मोमेंटम देखने को मिलाएगा, जहां पर स्टॉक 30% 30 पैसे की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ये स्टॉक 2.5% से भी ऊपर की रैली दिखा चुका है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर आप टेक्निकल चार्ट पर चले तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का नीचे की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 10 रुपए 65 पैसे। 10 रुपए 65 पैसे इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिला है, जहां पर इस स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आया। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है, इस स्टॉक में एक रैली देखने को मिल सकती है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 10 रुपए 80 पैसे के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 15 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाहते तो अराउंड 11 रुपए 25 पैसे के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 12 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक को ट्रेड करें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।